अपन पढ़ रहे थे कि मीडियन को ना इसकी एक मेरिट ऑफ मीडियन में आपने देखा था कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से आपका अफेक्ट नहीं होता। दूसरा ग्राफिकली होगा कब या कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कब से दिखाते हैं, और ये मोस्ट सूटेबल है कहाँ पर, जब आप इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, ब्यूटी इन चीज़ों में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इसी को लगाएंगे। और ये आपका अप्रोप्रिएट है ओपन एंडेड सीरीज में। ओपन एंडेड सीरीज में देखा था ना, लेस देन मोर देन वाला इस तरीके से आपका बन गया था, है ना, ये मीडियन बन गया था। तो ये सब आपकी चीजें हैं। मीडियन की मेरिट समझ में आ गई। अब डीमेरिट क्या है, देखो डीमेरिट में कोई कैलकुलेशन तो हुई नहीं इसमें, तो एक तो ये भैया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करनी पड़ती है, फर्स्ट वन। दूसरा है क्या कि सभी ऑब्जर्वेशन के बेस पे नहीं है, मीडियन निकाल दिया बाकी सारी इग्नोर, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप तीन बैठे हो, मतलब अगर बीच में आप बैठे हो, आपका कोई वैल्यू नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं, ओनली मिडल वैल्यू होगी। फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। आप एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते जब आपके पास इवन सीरीज हो, है ना। और दूसरा रिजल्ट कई बार ऐसे हो जाते हैं जब आपके मान लो वो सीरीज में ही नहीं है, ये भी पॉसिबल है, मतलब जो सीरीज में ही नहीं, अभी आपने निकाला था 9 कहीं सीरीज में नहीं था जब आपने मीडियन निकाला, ये पॉसिबल है, ठीक है। और जब स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल होना एक जो सीरीज और एक बहुत ज़्यादा लार्ज हो, तब इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, है ना। मतलब उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना एक बड़ी प्रॉब्लम होता है, है ना। और एक जो स्मॉल सी सीरीज है उसमें भी एक और भी चीज़ आएगी, एक वैल्यू की बात करो, देखो वैल्यू है लाइक दिस, एक की इनकम है तीनों हो, जैसे आप एक की इनकम 100 रुपये, एक की इनकम 200 रुपये, एक की इनकम 100 रुपये, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मान लिया आपने कि इनकम एज है कि 20, एक की 25, एक की 30। 20 की जो इनकम है 100 रुपये है, 25 वाले की इनकम 1 करोड़ रुपये और 30 वाले की इनकम है कुछ 50,000 रुपये। तो फिर आप क्या कहोगे कि उस मीडियन तो 1 करोड़ हो गया, तो एक्चुअल में वो एक रिप्रेजेंट सही नहीं कर रहा, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो ये था आपका मोड, जो इसकी डिमेरिट थी, मीडियन थी। अब आया मोड। देखो मोड क्या है, वो सबसे बड़ी जो एरर करते हैं, आपने भी कल की थी, आपने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को मोड मान लेते हो, हाईएस्ट जो होती है, लेकिन वो क्या होता है, वर्ड में भी बच्चे ना मोस्टली क्लिक कर देते हैं मोड देखते ही हाईएस्ट पे, लेकिन वो होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट। मोस्ट फ्रिक्वेंट कौन बार बार रिपीटेड होता आ रहा है, कौन बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका मोड लगेगा। मोस्ट मोड का मतलब क्या होता है, जो मोस्ट सबसे ज़्यादा चीज़ रिपीट हो रही है, मोस्ट फ्रिक्वेंट चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आता है, आपने देखा होगा कि मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने देखा होगा कहीं पे भी आप फॉर्म भर रहे हो, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, तो वो चीज़ें होती है। अब इसकी मेरिट क्या क्या है भाई, देखो कैसे कैलकुलेट करते, सिंपल सा है, इसको आप बस जो भी ज़्यादा दिख रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हो। वैसे निकालने का बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब बहुत मेथड है, बट हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो जो मोड की मेरिट है, देखो ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता, ग्राफिकली इसको प्रेजेंट नहीं किया, इंस्टाग्राम से आप दिखा सकते हो, ठीक है। ओपन एंडेड सीरीज में इसको निकाल सकते हो। और देखो उसके बाद आया आपके पास ऑल दी फ्रिक्वेंसी, देखो सभी फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और आपका एक आपका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है आपका, जब आपकी मोस्ट फ्रिक्वेंट चीज़ें निकालनी हो, पता करनी हो, ठीक है। उसके बाद आया, देखो कई बार क्या होता है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए है नहीं ये, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल लग नहीं रहा है, ठीक है। बाई मॉडल हो सकता है, बाई मॉडल का मतलब एक ही सीरीज में दो मॉडल, जैसे मैं कैसे लिखा, मैंने लिखा 2 2 और 4 5 6 8 8। अब बताओ इसमें मोड क्या है, दो 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 भी दो बार आ रहा है और ये भी दो बार, तो बाई मॉडल सीरीज बन गई है कि दो मोड हो गए, अब किसको मोड माने, ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद आया कि क्या रिलेशनशिप होती है, अब क्लियर हो गया ना, मोड से क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई क्या बोलते हैं कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अभी और क्वेश्चन जो मोड से आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 500 एवरेजेस पढ़ लिए, 3 मैथमेटिकल और 2 आपने पोजिशनल पढ़ लिए, एक क्वेश्चन है उसका आंसर बताना कौन सा मोस्ट सूटेबल आपके लिए रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आया कि आप ना एक फैक्ट्री में मैनेजर हो, शू कंपनी है आपकी, मान लो शू कंपनी है और उसमें आप मैनेजर हो, तो आप
किस साइज के शूज बनाओगे और ये देखना चाहते हो कि कौन से साइज के बनाओगे, इसके लिए आप कौन सी स्टैटिस्टिक, कौन सा मीन आप यूज करोगे, यानी कौन सा एवरेज यूज करोगे, बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, बताइए। अब देखो रिलेशनशिप देखो, अब इनमें रिलेशनशिप क्या है, देखो ये रिलेशनशिप आप कल डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको कराया था कि जो मोड होता है वो 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, मोड माइनस में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब इससे आप कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको मोड दे दिया जड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, अगर आप इसे मीडियन निकालना चाहे तो, मीडियन निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं जड माइनस 2 मीन डिवाइड में 3, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा ना, ओके। और क्या हो सकता है, अगर आपको इसे निकालना हो मीन, तो मीन निकालने के लिए इसको ऐसे ले सकते हो आप, 3 मीडियन डिवाइड में माइनस 2 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा, कैसे भी निकाल लो आप, मर्जी है आपकी, ठीक है, जैसा भी आप चाहो निकल जाएगा, एक चीज़ पता हो तो। उसके बाद देखो, अगर आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका ना बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल बनेगा इस तरीके से। देखो आपके क्या है, 3 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्क्यूनेस में पढ़ेंगे, आपका होता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई स्क्यूनेस नहीं है किसी तरीके, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, डेटा एक साइड ज़्यादा है पॉजिटिव साइड, और एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, तो होता है नेगेटिवली स्क्यूड, मतलब डेटा आपके नेगेटिव में ज़्यादा है। देखो अगर आपकी नॉर्मल यानी कि बिल्कुल आप परफेक्टली सिमेट्रिकल है, परफेक्टली सिमेट्रिकल, ये क्वेश्चन आया था, अगर आपने मोनी एग्जाम में आया हुआ था इस बात, आप भी उस दिन पढ़ रहे थे, ये देखो ये देखो बिल्कुल आपका परफेक्टली सिमेट्रिक है, इसका मतलब है मीन मीडियन और आपका मोड बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी थी। और आपके नेट में इस बार क्वेश्चन आया हुआ था अगर याद हो, कि ये कभी टच नहीं करता, ये एक प्रॉपर्टी है, बेल शेप बनेगा, मीन मीडियन मोड बराबर, याद ना उस दिन आप डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आ रखा था ये, ठीक है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो तीनों चीज़ें बराबर मिलेंगी, मीन मीडियन मोड। और उसके बाद आपके आया पॉजिटिव स्क्यूड है, देखो पॉजिटिव स्क्यूड है मतलब पॉजिटिव, देखो ये प्लस आइटम होता है, ये आपका माइनस है, तो प्लस में ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, तो ये आपने ये बनाया और ये पॉजिटिव बनाया, और यहाँ से आपने शुरुआत की और यहाँ से ऐसे लिख दिया, इधर पॉजिटिव है ना और इधर आपका नेगेटिव, एरिया इधर ज़्यादा है, ये देखो दोनों 0.5 पे बांटता है, अब इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी 0.78 जो भी है, तो अगर ऐसा चीज़ है तो मीन ज़्यादा होगा मीडियन से, मीडियन ज़्यादा होगा मोड से, ठीक है। और तीसरा ये कौन सा है, पॉजिटिवली स्क्यूड, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और दूसरा है नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड में कैसे बनेगा भाई आपका, मीन कम होगा मीडियन से, मीडियन कम होगा मोड से, ये होगा आपका, समझ में आया आपको, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिवली और ये परफेक्टली सिमेट्रिकली, ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो ये था आपका मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप, और आपका सेंट्रल टेंडेंसी आपका पूरा हो गया है, अब आपका आपने इसमें सारे के सारे पूरे पढ़ लिए हैं, ठीक है।